अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे टॉर्टिलास रैप। ये मैंने इसके लिए मैंने एक पाव चिकन है, ये इसको मैंने पकाया हुआ दही और टिक्का मसाला वगैरह डाल के, इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके साथ मुझे चाहिए ये चीज़ है, ये मैंने शर्ट करके रखी हुई है, मोज़रेला चीज़ है। और यहाँ पे मुझे ये पिकल है, ये जो होता है जेलेपिनो, ये वो है बड़ी वाली सब्ज़ मिर्च जो उसमें डाली होती है सिरके में। और यहाँ पे ये कोकम्बर पिकल है और ऑलिव्स, इनको मैंने छोटा छोटा काट के तो ये छलनी में डाल के रखा हुआ है ताकि इनका पानी निकल जाए। और मैंने अपने पैन को हीट अप करने के लिए रखा हुआ है वहाँ पे चूल्हे के ऊपर। अब ये रैप्स जो हैं इनको हम लेंगे, और यहाँ पे ये मैगी की चिली गार्लिक सॉस, ये इसके ऊपर थोड़ी सी लगाएंगे। इसके अंदर अपनी चिकन डालेंगे, रखे हुए हैं सारे ये ऑलिव्स हैं ग्रीन वाले, ये थोड़े से डालेंगे। और ये यहाँ पे चीज़, और इसको हम रैप करेंगे थोड़ा सा, यहाँ किनारे पे रखेंगे ताकि ये सील हो जाए अच्छे से। चाहिए हम बनाएंगे और बाकी जो है ये सील हो जाते हैं, ऊपर से जिपर बैग है इसको हम सील करके तो सेव कर लेंगे फ्रिज में। इसके कुछ दिनों की डेट्स होती हैं, जब आप इसको मार्केट से लेकर आए तो आराम से ये बाद में भी यूज़ हो सकता है। जितने भी आपको बनाने हैं आप अपने फैमिली मेम्बर के हिसाब से उतने बनाएं। यहाँ पे मैंने पैन को प्री हीट करने के लिए रखा हुआ था, ये मेरा रेडी है। और ये मेरे रोल्स भी रेडी हैं, इनको मैं आराम से इसमें रखूँगी। इसको बस हम हल्का सा कलर करेंगे और चीज़ मेल्ट होने तक इसको हम हीट अप करेंगे, और बस हमारा चिकन बिल्कुल रेडी होता है। तो इसको हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि ये हमारा सारा जो इसके अंदर फिलिंग हमने डाली है वो सब कुछ रेडी है, बस हम इसकी चीज़ मेल्ट होने तक इसको पकाएंगे। इसको हम यहाँ पे ऐसे बना के तो ओवन में बेक भी कर सकते हैं 10 मिनट के लिए, वरना आप तवे पे फ्राई पैन में आराम से इसको करें। और अगर आप इसके ऊपर चीज़ डालना चाहें तो आप
इसके ऊपर चीज़ डालें और इसको थोड़ा कवर करके इसके ऊपर चीज़ डालेंगे थोड़ी सी मोज़रेला, इसको हम 2 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। हमारी चीज़ मेल्ट हो चुकी है, हम इसको निकालेंगे। बिल्कुल रेडी। इसको केचप के साथ सर्व करें, साथ में कोई अच्छा सा जूस बनाएं, चाय बनाएं, जो भी आपके बच्चे इसके साथ पसंद करें आप उनको दें और इसको एंजॉय करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप और क्या देखना चाहते हैं। अस्सलामुअलैकुम।